पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है टायर में हवा कम है, बट ठीक है ठीक है। उन्होंने बाइक रोकी, जैसे ही मैंने बाइक रोकी तो भाई ये ब्रदरहुड होता है यहाँ पे कोई, भाई ये हमारा फर्स्ट स्टॉप था और ये चीज़ आपको देखनी चाहिए, अमेजिंग सीन है यार इस टाइम। यहाँ पे आके नहीं फील आई तो कहीं नहीं आने वाली, मतलब दिल्ली से बाहर ही जाओ फिर आप। सो हाई एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग, दिस इज़ योर फ्रेंड इंदर। और क्या हाल चाल आप सबके। सो भाई बहुत टाइम बाद आज मैं संडे राइड कर रहा हूँ। कुछ टाइम से संडे राइड नहीं कर पा रहे थे, उसका एक रीज़न था, आप सबको पता होगा कि दो बाइकर के साथ बहुत अनफॉर्चुनेट हो गया था, उसके बाद नहीं प्लान कर पाए राइड। तो सुबह का टाइम है, 4:45 हो रहे हैं, मैंने कहा आप सबको यहीं से स्टार्ट कर दूं अपने स्टूडियो से, भाई बहुत दिनों से यहाँ भी नहीं आया, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है यार। अगेन वी विल हैव द इंटायर ग्रुप टुडे, जिसमें बहुत ही फन होगा। तो एक काम करते हैं, सीधा पहले बाइक निकालते हैं स्टूडियो बंद करके, भाई यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग बंद करके, फिर बातें करेंगे, मज़े करेंगे, अगेन संडे राइड को इन्जॉय करेंगे, बिकॉज हमारी आम राइड नहीं होती, बहुत ही स्पेशल राइड होती है। सो दिस इज आवर बाइक, मैंने भी भाई नीट एंड क्लीन कर दी है, बट अभी हमको ये बाहर निकालनी पड़ेगी और यहाँ से जाना पड़ेगा धौलक हुआ, जो कि हमारा मीटिंग पॉइंट। भाई मैंने बोला था ना मीटिंग पॉइंट में मिलूंगा, बट एक और चीज़ ऐड करनी थी बिफोर आई रीच द मीटिंग पॉइंट। भाई इस टाइम हूँ मैं रिंग रोड पे, विच इज़ रजौरी गार्डन, और पता नहीं क्यों यार 5 बज रहे हैं पर बादल बिल्कुल ही काले हैं। अगर आप गोप्रो में देख पा रहे होगे थोड़ा कलर का डिफरेंस होता है, पर आइडली बाकी दिनों में थोड़ी रोशनी ज़्यादा होती है और आज इतने ज़्यादा काले बादल है, तो इसका मतलब यही है कहीं ना कहीं बारिश पड़ रही है, ये रास्ते में बारिश पड़ सकती है, तो हमको भी थोड़ा सेफली ड्राइव करना होगा, राइड करना होगा, उसका भी हम ध्यान रखेंगे। तो थोड़ी सी बाइक भगाते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं। आगे स्पीड वाले कैमरे हैं मैन, और इससे याद आया कि बाइक के भी चलान कटेंगे अब। कंप्लीट लाइनअप है, सो आज वी हैव फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन, और ये अर्नी भाई, सो वी आर रेडी टू रोल। और इसी चीज की भाई हमको खुशी और इंतजार होता है, जब मजा आता है। भाई अपने आप कलेजे को ठंडकने लगी है और मज़ा आ रहा है। डीप्रो भाई अपने साथ सामने BMW पे है, बाइक ही मैंने सारे दिखा दी थी, गाड़ी रह गई थी, दिस इज द कार, इसमें है डीप्रो भाई। ये चीज़ आपको देखनी चाहिए, अमेजिंग सीन है यार इस टाइम। क्रेजी, इट्स नेक्स्ट लेवल। This is something I call crazy man. पूरा हार्ले ग्रुप है और अपना ग्रुप है, साथ साथ चल रहे हैं। फर्स्ट स्टॉप था और अगेन वी हैव वन BMW। ये सारी बाइक्स है लाइनअप है। अर्नी भाई अभी वीडियो बना चुके हैं और भाई एक सुपर सेक्सी बाइक है इनकी, एंड दे आर सेइंग अब यहाँ से हम सीधा चलेंगे अपना कैफे। सेक्सी भाई सेक्सी। तो भाई गाड़ियों में बंदे स्विच हो रहे हैं और यहाँ से हम चलेंगे सीधा। अब आगे हार्ले का ग्रुप है भाई, जो बहुत ही अल्टीमेट और बहुत ही क्रेजी बाइक है उनके पास, मतलब हार्ले इस भाई अलग ही फील है। तो ज़िंदगी में पैसा होना अगर एक स्पोर्ट्स बाइक और एक हार्ले होनी चाहिए। भाई ये इनका ग्रुप लेफ्ट साइड, इनके साथ एक गाड़ी है जैसे हमारे साथ आज गाड़ी है।
क्रेजी मैन. सो दिस इज द फीलिंग ऑफ संडे राइड. अल्टीमेट फन और मजा आता है. दिस इज द कट जो कैफे को जाता है और क्या फील आती है भाई यहाँ पे आके. इट डजंट लुक कि हम दिल्ली के आसपास हैं तो गुड़गांव में. इट लुक लाइक कि हम कोई वेकेशन पे जा रहे हैं पहाड़ों के बीच में. अब देखो यार जो ये लोकेशन है ना, आसपास आपको खेत दिखेंगे, पहाड़ दिखेंगे. इससे बेहतर दिल्ली की गर्मी को बीट करने के लिए ना सुबह सुबह कुछ नहीं मिल सकता. सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन गेट. जयपुर का फील आता है कि जब आप जयपुर जाते हो ये वाले रास्ते आते हैं और यहाँ पे गाड़ियाँ भी आ रही हैं, बाइक्स भी हैं, स्कूटी वाले भी हैं. मैन अपना पूरा ग्रुप आ गया है, BMW भी आ गए हैं एंड आई एम कैप्चरिंग द होल सीन राइट नाउ. अल्टीमेट यार जो है दिल्ली गर्मी से परेशान, सुबह सुबह चाहता है सुकून थोड़ी देर का, यहाँ पे आ जाओ. मजाक नहीं कर रहा, 6 बजे घर से निकलो, यहाँ पे आके दिल खुश हो जाएगा. बहुत ही यहाँ पे फन आता है. ब्रेकर्स भी है, ध्यान रखिए, बाइकर्स भी, गाड़ियाँ भी, पर मज़ा फुल है भाई यहाँ पे. साइकिलिस्ट, गाड़ियाँ, बाइकर्स, स्कूटी, भाई सब बंदा दिखेगा आपको. खेत, पहाड़ और भाई की बाइक बहुत लाउड है. तो आई वाज सेइंग देखो लेफ्ट साइड खेत है, फिर पहाड़ है, यू विल सी एवरीथिंग ओवर हियर. This is the beauty of this place, man. Check this out. एक मिनट. टायर में हवा देख रहा हूँ, एक सेकेंड. पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है टायर में हवा कम है, बट ठीक है. ये टायर में हवा ठीक है, पिछले टायर में, टायर पिछला हवा नहीं, नहीं हवा हवा ठीक है. मेरे को फील हुआ, मेरे को फील हुआ ठीक है. भाई मेरे को फील हुआ. और अरनी भाई की एक बात देखो, उन्होंने बाइक रोकी, जैसे मैंने बाइक रोकी तो भाई ये ब्रदरहुड होता है यहाँ पे. कोई भी देखते ना कोई बाइक रुक रही है जो भी है, दे स्टॉप एंड चेक विद यू, सो दैट्स अ गुड पार्ट. एंड कमिंग बैक टू द फील मैन, आई होप कि भाई ये नज़ारा आपको मज़ा ही देगा. भाई एक एक्टिविटी हुई, एंट्री है साइड पे, रोड पे दिख जाएगा बोर्ड और ये थोड़ा कच्चा रास्ता है. सो यू हैव टू बी बिट केयरफुल, मतलब ज़्यादा बेकार नहीं है पर हाँ कच्चा रास्ता है तो आपको थोड़ा पत्थरों का ध्यान रखना. यहाँ से हम नीचे उतरे हैं और देखो अभी सूरज आ गया पर बादल हैं थोड़े से. सो भाई यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है संडे को सुबह सुबह स्पेशली. अगर आपको इन्जॉय करना है तो आप किसी भी वीकडेज़ पे आ जाओ, मंडे टू फ्राइडे आपको बहुत ही अल्टीमेट फन आएगा, खाली खाली दिखेगा. और सैटरडे को भी आ सकते हो आप. भाई दीप्रो ने गाड़ी लगा ली है. तो भाई बहुत ही अल्टीमेट फीलिंग है, बहुत ही ज़्यादा अलग ही माहौल है यहाँ पे. चिल मारने के लिए बहुत ही क्रेजी प्लेस.
अब हम बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे। तो भाई देखो, आपके पास खुला टाइम है, यहाँ पे आप फोटो शूट कर सकते हो, घूम सकते हो, आसपास पहाड़ी है, ट्रैकिंग है, बहुत कुछ है, मतलब देयर आर ऑल द एक्टिविटीज। Few moments later. तो भाई अब देख रहे होंगे हम रेडिसन गुड़गांव आ गए हैं। यार वहाँ पे हो गया था सीन, एक तो यार गर्मी बहुत ज़्यादा, एसी नहीं थे, सो वी थॉट यार कि अच्छी जगह पे खाएं, इसलिए वहाँ से हमने रैप अप करा, कुछ खाया पिया नहीं। फ्रॉम मानेसर वी केम टू दिस रेडिसन, यहाँ पे पहले भी हम आ चुके हैं, गुड़गांव के अंदर है भाई, टोल से पहले ये या टोल के आस पास ही। अब यहाँ पर हम बाइक लगाएंगे, तो भाई ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है। अगर मैं टाइम की बात करूं, टाइम हो रहे हैं 9 बज रहे हैं, यहाँ से कुछ नहीं करना, अब यहाँ से हम अपनी बाइक स्टार्ट करके जाएंगे बाहर रेडिसन में। यार बाइकर्स के लिए डिस्काउंट है, हमको पड़ा ब्रेकफास्ट यहाँ पे 450 प्लस टैक्सेस, और वैसे यहाँ पे ब्रेकफास्ट है 800 प्लस टैक्सेस, तो बाइकर्स के लिए कुछ ना कुछ तो फ़ायदा मिल जाता है हमको, और हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं। तो भाई इट्स टाइम टू रोल, और सारे अपनी बाइक स्टार्ट कर रहे हैं, हमने जो फोटो वोटो खींचनी थी खींच ली, कई बंदे रील बना रहे थे, और अब मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। ऑलमोस्ट सारे रेडी हैं, भाई अभी वीडियो और फोटो खींच रही थी। आई होप आपके ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो भाई लगा होगा तो क्या करना है, एक लाइक ठोकना है, कमेंट करना है, और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे नए ब्लॉग में जल्दी ही भाई, थोड़ी गर्मी चल रही है, इस चक्कर में ब्लॉग थोड़े कम हो गए हैं, कई बार ऑफिस का काम भी होता है, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, बट थैंक यू अगेन जो कनेक्टेड है मेरे साथ। टेक केयर योरसेल्फ गाइस, अब घर जाने का वक्त है, धूप भी हो गई है, इसलिए करेंगे हम गोप्रो को बंद। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और यहाँ पे सारे बाइकर्स आ रहे हैं, दिखा देता हूँ बिफोर आई क्लोज द व्लॉग। ये रही बारी बारी बाइक्स निकल रही हैं।